गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू दी आई ए सब गाइज वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट सो हम इस सेशन को अभी शुरू करेंगे सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे एंड स्पेसिफिकली वी हैव सम न्यू इनिशियेटिव फॉर यू फॉर दोज पीपल हु विल बी अपियरिंग फॉर देयर प्रिलिम्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो अभी प्रिलिम्स में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में अपना एग्जाम लिखेंगे फॉर देम दिस इज द न्यू इनिशियेटिव कॉल्ड शतक

एडवांस में आपको सिलेबस बताया जाएगा इट विल ऑल्सोरिंग अपटिकुलर इनिशियेटिव तो वो हमारा नया इनिशियेटिव है आप जरूर उसके अंदर पार्ट बन सकते हैं सुमित बुलबुल अवतार गुड मॉर्निंग दिस इज हाउ इट इज सो लेट स्टार्ट द सेशन विदाउट फर्दर डिले जल्दी से इस सेशन को शुरू करेंगे देखते हैं कि क्या है खास आज की अखबार में सो बिफोर गोइंग अहेड लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंडेम नन इफ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो इफ यू कैन नॉट फोल्ड योर हैंड्स ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस यूपीएससी डिड आस्क दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन योर जीएस पेपर फोर सो जी एस फोर के अंदर यह सवाल पूछा गया था ट्वेंटी ट्वेंटी मेन्स के अंदर ही don't डोंट क्रिटिसाइज someone who is इज पुटिंग an एफर्ट जो एफर्ट कर रहा हो उसको आप condemn मत कीजिए unnecessarily इफ यू कैन स्ट्रेच आउट योर हैंड अगर आप खुद हेल्प कर सकते हो दैट्स द बेस्ट थिंग इफ नॉट यू जस्ट फोल्ड योर हैंड्स लेट्स अलाउ अदर्स टू डू their वर्क हम हमेशा क्या करते हैं हमेशा बेस्ट की तलाश में रहते हैं नाउ बेस्ट शुड नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड बेस्ट जो है वो गुड का एनिमी नहीं होना चाहिए सो इवन इफ समवन इज पुटिंग अप एन एफर्ट जैसे भी रिसोर्सिस हैं थोड़े बहुत जो भी रिसोर्सिस हैं इफ समवन इज पुटिंग अप एन एफर्ट वी शुड नॉट कैरी आउट द अननेसेसरी क्रिटिसिज्म बिकॉज दो स्मॉल एक्शन कैन गो अ लॉन्ग वे वो छोटे छोटे एक्शन जो है उसका इंपैक्ट बहुत लंबा होगा दिस इज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस वी नीड टू बी सेल्फलेस और हम खुद एफर्ट मारें उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता दिस इज वॉट स्वामी विवेकानंद इज मैंशनिंग टू अस सो लेट्स लुक इन टू टूडेज न्यूज पेपर नाउ इन टूडेज न्यूज पेपर वी विलिंग दीज टेन टॉपिक्स प्रिलिम्स और मेन्स के सवाल भी इसके अंदर डाले हुए हैं ओके सो पार्लियमेंट सोवराडी डिजिटल पेमेंट एक्सपेंशन इंडियन स्कीमर इट्स अ बर्ड वाइट टफ रॉयल बटरफ्लाई बटरफ्लाई करेंगे देखेंगे क्या है रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टैलिटी चाइना तालिबान रिलेशन ऑयल डील साइन की है चाइना नेट इजीमठ यूक्रेन की थोड़ी सी डेवलपमेंट क्राइटेरिया टू डिफाइन द शड्यूल ट्राइबिंग इन टू यू के जैपे डिफेंस पैक्ट सो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट वी विल बी लुकिंग इन टू ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज के अखबार में नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर न्यूज दैट इज वाइस प्रेजिडेंट ही दैट कोर्ट कांट डायल्यूट द पार्लियमेंट सोवरिटी Now you need to understand here, when it comes to sovereignty, कम्स Parliament is considered to be sovereign. This is the UK's concept. दूकेप्टे इंग्लैंड का कंसेप्ट है कि वहां पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होता है और सोवरन माना जाता है इन इंडिया say वी से पीपल आर सोवरन एंड योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वी the पार्लियामेंट

कैन नॉट बी परमिटेड टू बी डायल्यूटेड और कॉम्प्रोमाइज बाय एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वट एवर लॉज दैट पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज शुड बी द फाइनल वर्ड नॉट द जुडिशियल स्क्रुटनी बेसिकली ही जुडिशियल रिव्यू को भी एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं नाउ नॉट ओनली दिस

कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान में रख के जुडिशरी हर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता वी विल बी लुकिंग दिस 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 फ्रॉम वेयर इज इज टर्म कमिंग 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 पर्टिकुलर डिबेट दैट बेसिकली सकताली सी जजमेंट नाउ इन टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई नाइंटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दैट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था एनजेएसी को सो एन इट वॉज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कोर्ट सेट दैट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज क्रूशियल

नो पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव द फ्री हैंड दिस इज वट शुड बी देयर इन आर माइंड सो वट कम्स टू द जुडिशरी एंगल सो इट इज अबाउट द क्रिटिसिजम ऑफ द कोलिजियम अब एनजे हम लेके क्यों आ रहे थे बेसिकली दिस वॉज द आइडिया दैट नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आउट अपॉइंटमेंट इन जुडिशन अपॉइंटमेंट तो प्रेजिडेंट ही करेंगे बट इट विम विदेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एज वेल एज द ट्रांसफर्स ऑफ द जजेज

फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली की जुडिशरीबिलिटी दैट वॉज द पॉइंट अब कुछ बातों को देखते हैं नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग केसवनंदा भारती केस वॉज अबाउट सो सुप्रीम कोर्ट इवोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर that is the fundamental architecture of the constitution that is the spirit of the constitution that is the thought process ideals ideology of the constitution makers that's the point here and we cannot deviate from this basic structure because this basic structure is there to provide stability to the indian constitution stability to the governance in the country that's the point here now kesavananda Bharti case okay the supreme court has the power

फर्दर एनजी सी द गवर्नमेंट ब्रॉट नाइनटीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड विच वॉज डिक्लेयर टू भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों सुप्रीम कोर्ट सेट इट इज बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी का काम इंडिपेंडेंट तरीके से होना चाहिए उसके अंदर कुछ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ना आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कैन वी से विद दिस जजमेंट

एंड देयर दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात आती है कैन वी हैव ऑल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या सारे के सारे जो मेम्बर्स होंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के क्या वो फॉर्मर जजेस हो सकते हैं कैन वी हैव दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट सो दिस इज वन सच वर्केबल सोल्यूशन वेयर यू विल मिनिमाइज द इंटरफेयरेंस बाई एग्जीक्यूटिव एंड यू विल बी एबल टू फैसिलिटेट द स्मूथ

नाउ यू नीड टू बी अंडरस्टेंडिंग दिस पार्ट वाई डू वी हैव दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जब भी हम बात करते हैं इंडिया के अंदर गवर्नेंस की अक्सर ये बात की जाती है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होना चाहिए देर शुड भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म होना चाहिए ओके देर शुड भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी होनी चाहिए दिस इज दिस इज वट इज फॉर कब तक हम ये क्यों चाह रहे हैं सो बेसिक आइडिया इज अबाउट दैट यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द गवर्मेंट सरकार के हाथ बंदे होने चाहिए दैट द पॉइंट हेयर बिकॉज द गवर्नमेंट विच इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन विदाउट अकाउंटेबिलिटी इट कैन बी टायनिकल अत्याचारी हो सकती है वो एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं वी हैव अ हॉर्स। आपने घोड़ा देखा है ओके नाउ विच हॉर्स इज मोर यूजफुल अ वाइल्ड हॉर्स और अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स कौन सा घोड़ा ज्यादा अच्छा होता है आपके काम कौन सा घोड़ा आएगा अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स और वाइल्ड हॉर्स प्लीज मेंशन कौन सा घोड़ा आपको पसंद आएगा एक वाइल्ड घोड़ा है बेलगाम घोड़ा जिसको बोलते हैं और एक वो है जो डोमेस्टिकेटेड है जो आपके हिसाब से चलेगा दैट्स द द पॉइंट वी कैन नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू बी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो वाइल्ड गवर्नमेंट आपको नुकसान पहुंचाएगी यू हैव टू मेक श्योर दैट द हॉर्स इज टेम्ड उस घोड़े के अंदर नकेल कसी होनी चाहिए सो दैट यू कैन कंट्रोल हिम सो दैट इट कैन हेल्प यू इन योर फास्टर मूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट

जज बेंच एक फिफ्टीन जज बेंच बैठता है एंड इट डिस्कसिस अबाउट दी चेंज क्या उस सिचुएशन में यह चेंज किया जा सकता है दैट्स वट यू हैव टू मैं थर्टीन जज बेंच का जजमेंट आया केसव नंदा भारती में अब आप उसको चेंज करना चाहते हो फिफ्टीन जज बेंच से एंडीन जज बेंच कैन है उसका व्यू डिफरेंट हो सकता है एंड दिस थर्टीन जज बेंच इट वॉज द सेवन इज टू सिक्स जजमेंट ये बहुत ही छोटे मार्जिन से जजमेंट आया था जो थर्टीन जज बेंच में था सेवन जजेस वर इन फेवर अब एक जज भी फेवर में नहीं होता तो थिंग्स वुड हैव चेंज्ड इन द सेम वे इफ देर विल बी अ 15 जज बेंच थिंग्स कैन फर्दर चेंज दैट्स द मेजर पॉइंट हियर दैट वी कैन नॉट से दैट दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अवर ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जरूरी है लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा रहेगा चीजें बदल सकती हैं किसके हाथ में है जुडिशरी के हाथ में दैट्स द पॉइंट हेयर सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू बी कवरिंग ये एक चीज़ है जो हमें समझनी होगी सो आगे बढ़ते हैं वी हैव दिस न्यूज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक टू प्रोमोट द डिजिटल पेमेंट ओके अब ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने छब्बीस सौ करोड़ दे दिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी डिजिटलाइज आर इकॉनमी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका टैक्स बेस बढ़ता है नैक्स सेक्टर सेक्टर देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स द स्पीडी ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड नॉट ओनली दैट देंडलिंग ऑफ मनी दैट विल ऑल्सो कम डाउन एंड

कि मर्चेंट ऐसा ना हो कि वापस कैश इकोनॉमी की तरफ चले जाए डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ही रहें ऐसा ना हो कि अपने वो डिवाइसेस को डिसकनेक्ट कर दें दैट्स द मेजर कैच नाउ प्लीज हैव अ लुक दिस इज द प्रिलिम्स 2018 क्वेश्चन इट इज आस्किंग विच वन ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट कौन सी वो टर्म है जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट को डिस्क्राइब करती है पहली इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड परटेनिंग टू दैट बैंक जरूरी नहीं है सेकेंड अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर अब ऐसा तो कुछ है भी नहीं द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड ठीक है अ चार्ज टू द मर्चेंट मर्चेंट को यह चार्ज पे करना है बैंक किसे लगाता है नेक्स्ट इज इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है सो मेजर पॉइंट इज दिस दिस एम इज नथिंग बट सी पार्ट इट्स अ चार्ज इट इज नॉट एन इंसेंटिव बैंक का खर्चा हो रहा है उस डिजिटल सिस्टम को मेंटेन करने में वो पैसा वो मर्चेंट से वसूल करता है दैट्स द पॉइंट हियर ओके सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंगे सब मालूम होना चाहिए अच्छा ये इंसेंटिव नहीं है गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव नहीं देता ये मर्चेंट की फीस है मोहित क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ वी हैव दिस न्यूज़ गोदावरी एस्चुरी हैज़ बिकम अ प्राइम हैबिटेड फॉर इंडियन स्कीमर ओके ये पंछी है इंडियन स्कीमर एंड बेसिकली जब हम इसकी बात कर रहे हैं गोदावरी एस्चुरी और यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर काफ़ी इंडियन स्कीमर जो हैं वो मिले हैं नाउ इट्स अ टोटली प्रिलिम्स बेस्ड क्वेश्चन सो प्रिलिम्स बेस्ड कंसेप्ट सो आई यू सी एन स्टेटस ऑफ इंडियन स्कीमर इज एंड डेंजर्ड एंडेंजर्ड है ये स्पीशीज ओके दिस इज वट शुड बी नोन टू यू होमवर्क. नाउ यू द कमेंट सेक्शन वेयर इज दिसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट में ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है एक जो न्यूज है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो तो आपको वैसे पता लग गई दैट इज गोदावरी रिवर ओके सो कहीं ना कहीं गोदावरी रिवर के साथ भी इसका लिंक होगा दैट्स द पॉइंट नाउ अदर क्वेश्चन

उन रिवर्स के एरियाज के अराउंड भी इंडियन स्कीमर मिलता है दैट्स द पॉइंट है सो बेसिकली इंडियन स्कीमर दे माइग्रेट टू गोदावरी एस्टुरी फॉर फीडिंग फॉर दिस पर्पस दे गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया सो क्लियर हो गया ये नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सो वाइट टफर्ड रॉयल ब्लू रॉयल बटरफ्लाई अ रेयर स्पीशीज फाउंड इन केरलास कन्नूर ओके सो इट्स अ बटरफ्लाई स्पीशीज दैट इज वाइट रोयल बटरफ्लाई नाउ बटरफ्लाई प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल टू ऑफ लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल टू में प्रोटेक्टेड है नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दिस इज यू शुड बी नोटिंग इट डाउन फॉर प्रिलिम्स बिकॉज कुछ प्रोटेक्शन शेड्यूल वन में होती है टू में होती है

कोरिंगा भी मैंने पूछ लिया तो पहले आप लिखेंगे कोरिंगा उसके आगे लिखेंगे स्टेट फिर आप लिखेंगे शंडूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन यू विल पुट अप अ स्टेट ओके इस तरीके से हमें करना है मुझे कैसे पता लगेगा आप कोरिंगा की बात कर रहे हो या शिंडूरी की बात कर रहे हो ठीक है ना सो दैट्स द पॉइंट हियर नाउ दिस इज व्हाट इट इज अबाउट अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं दिस वाज द क्वेश्चन दैट यूपीएससी डिड आस्क दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स 2016 अब 2016 का सवाल है इट इज सेइंग

देयर स्टेट बटरफ्लाई आगे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें चीज़ें बदल गई हैं दो हजार सोलह पुरानी बात नाउ इट इज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो वी शुड बी नोटिंग इट डाउन दैट दीज आर द अदर स्टेट्स विच हैव डिक्लेयर देअर स्टेट बटरफ्लाई सो लेट्स लुक इन टू द महाराष्ट्र महाराष्ट्र का मैंने आपको बताया पहला था एंड द बटरफ्लाई वॉज ब्लू मोर नोन ब्लू मोरमोन वॉज द बटरफ्लाई नाउ यू कैन सी इन दिक्कत मैंने आपके लिए पिक्चर भी यहां पर जो है अरेज की है नेक्स्ट इज उत्तराखंड नाउ नेमन पीमन पीट इज नॉट वेरा बटरफ्लाई की है नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश कैसरे हिंद कैसरे हिंद इज द बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश सो नाम थोड़ा डिफरेंट है ये याद रखना नेक्स्ट इज कर्नाटका सदरन ंग सदरन बर्ड विंग कुछ ऐसी दिखती है लाइक दे आर क्वाइट ब्यूटीफुल। तमिलनाडु, तमिल ये थोड़ा आसान है आप इसको कर सकते हो ओके नेक्स्ट इज बुद्धा मयूरी ये केरला की है सो so, केरला में बुद्धा मयूरी सो दीज आर द स्टेट बटरफ्लाइज ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट ये आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है दैट्स द पॉइंट हेयर विल मूव टू द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या खास है सो रिड्यूसिंग द प्री टर्म बर्थ एंड द स्टिल बर्थ ओके सो हेयर आर फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टेलिटी नाउ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी लुकड इन टू वी आर एक्सपीरियंसिंग यू कैन से रिलेटिवली वी हैव इम्प्रूवड चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया में कम हुई है बिकॉज हेल्थ सेक्टर इज इम्प्रूविंग हर साल हेल्थ सेक्टर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है बट स्टिल देर इज लॉट टू बी डन बहुत अभी करना बाकी है

तो क्या मदर मेंटली और फिजिकली तैयार है प्रेगनेंसी को बेह करने के लिए बिकॉज आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग इन इंडिया वी आर स्टिल फेसिंग चाइल्ड मैरिजेस ओके हमारे देश में आज भी चाइल्ड मैरिज होती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर इंस्टेंसिस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसी होती है एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द रीजन दैट

5 मिलियन चिल्ड्रन देफोर फिफ्थ बर्थडे अंडर फाइव मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है सो इट्स रिपोर्ट 5 मिलियन अब ये डेटा के लिए आप यूज करोगे ओके सो दिस डाटा स्पेसिफिकली ये जी थ्री में काम आएगा सब नोट डाउन करना है आपको अब इंडिया का देखते हैं इंडिया हैज एस्टिमेटेड शेयर कितना है 7.09 पॉइंट अंडर फाइव फाइव पॉइंट एट सिक्स लैख इनफेंट डेथ्स दैट इज डेथ्स बिफोर द फर्स्ट बर्थडे फोर लैख नियोनेटल डेथ इमीजिएटली जो डेथ हो जाती है दिस इज द नंबर दैट वी है सिग्निफिकेंट नंबर बट द पॉइंट इज दिस दिस इज प्रिवेंटेबल ये सब प्रिवेंटेबल है यह रोका जा सकता है विद द इंटरवेंशन विद द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट

देर आर स्टेट्स लाइक केरला विच आर रियली डूइंग फाइन वो बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज से भी अच्छा करता है कुछ एरियाज में सो दैट्स नाउ फॉर एवरी थाउजेंड लाइफ बर्ड द इन मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश छे टाइम्स ज्यादा है इतना बड़ा डिफरेंस ओके दैट्स द पॉइंट नॉट ओनली दैट इन रूरल एरियाज द मोर्टेलिटी रेट वॉज वे हायर देन इन अर्बन अब अर्बन में डेस कम क्यों है द मेजर रीजन इज दास्ट्रक्चर इज देअर सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अर्बन सेंटर्स में है डॉक्टर्स पेडिट्रिशियंसर इन द अर्न यूनिट सो दैट्स ये एक फर्क आ जाता है एंड दिस इज द रीजन वाई इट इज विजिबल हर नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट मेजर टू निगलैक्ट दो एरियाज हैं जो अक्सर निगलैक्ट हुए दैट इज प्री टर्म बर्थ अब देखिये प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स ये दो रीजन बताए हैं इन्होंने प्री टर्म बर्थ एंड स्टिल बर्थ नाउ यू नीड टू बी नोटिंग थर्टी सेवन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड दे आर अलाइव अब प्रेगनेंसी नॉर्मली नाइन मंथ्स की होती है लेकिन यहां पे प्रेगनेंसी उससे काफी पहले हो रही है सो इन दैट केस इट विल बी रेफर्ड एज प्री टर्म बर्थ प्रीटर्म बर्थ में क्या होगा बेबी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ होगा अभी बेबी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ होगा सो देर आर चांसेस दैट मोर्टेलिटी माइट बी देर। दिस इज वन रीजन कि अलाइव हुआ पैदा हो गया, लेकिन अलाइव हुआ देन देर इज स्टिल बर्थ बेबी डाइज एनी टाइम आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ ड्यूरिंग बर्थ भी बेबी डेड हो सकता है बर्थ से पहले भी डेड हो सकता है एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टिल बर्थ दैट्स द पॉइंट सो ये मेजर डिफरेंस है और इंडिया के अंदर इन्हीं का ही रिकॉर्ड खराब है ना वाई इट इज है मदर मदर की हेल्थ से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है न्यूट्रीशन क्या दिया जा रहा है दो थिंग्स आर इम्पोर्टेंट नाउ गवर्नमेंट इज यू कैन सेरिंग आउट एफर्ट टू डील विद इशूज फॉलिक फूड आयर्न फूड

गवर्मेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाती है तो नाउ यू टेल मी वन थिंग देर इज अ ट्राइबल वूमेन एक ट्राइबल वुमेन है ओके नाउ यू आर आस्किंग दैट ट्राइबल वूमेन शुड रीच टू द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेंटर वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेंटर आपका कहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर फर्स्ट थिंग इज दिस डू वी हैव एनी एम्बुलेंस सर्विस फॉर हर क्या उस ट्राइबल एरिया के अंदर एम्बुलेंस सर्विस है पहला सवाल सेकंड सवाल इज दिस डू वी हैव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपके पास सड़क है क्या सड़क होगी तभी तो एम्बुलेंस चलेगी एम्बुलेंस चलेगी तो वुमेन अर्बन सेंटर तक पहुंचेगी जहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी उसके बाद 6000 हजार मिल जाएंगे दैट्स द पॉइंट हियर नाउ वी आर लैगिंग इवन दीज एरियाज ये चीजें ही नहीं है तो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहां से आएगी

टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रहा है पॉइंट सो वी आर वट वी आर डूइंगी आर जस्ट ट्राइंग टू रिजोल्व दिस इशू बाई अल अप्रोच टुकड़ो टुकड़ो में फ्रेगमेंटेड अप्रोच में हम इस मुद्दे को देखते हैं द पॉइंट इज दिसिक सिर्फ एक चीज करने से ठीक नहीं होगी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर करना पड़ेगा यू हैव टू फैसिलिटेट दीज पर्टिकुलर स्कीम्स एज वेल दैट्स द पॉइंट हि विदाउट डूइंग इट वी कैन नॉट सीरियसली एड्रेस दीज इशूज सो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें समझनी है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यू कैन से आर्टिकल अगले आर्टिकल पे चाहते हैं राजेश कुमार कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज इज वेरी सीरियस इशू इन इंडिया ओके सोमिक सेग इवन नाउ वी सी पेशेंट डायट बिफोर द रीचिंग हॉस्पिटल्स येस बिल्कुल सो so, ये काफी एग्जाम्पल्स हैं जो आ रहे हैं सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट आगे चलते हैं देखिए चाइना के बारे में एक चीज बोली जाती है चाइना चाइना क्या है एक है एक ओके okay. चाइना क्या है एक बिजनेस करता है अब बिजनेस करने के लिए वो किसी के साथ भी इक्वेशन बढ़िया बना के रखेगा एंड दिस इज हाउ इट इज नाउ ऑलरेडी यू कैन से चाइना इज अ गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान

से भी काम नहीं चलता प्लस यू हैव टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी करनी है आपको गवर्नेंस भी प्रोवाइड करना है अब इन सब चीजों के लिए क्या रहेगा यू रिक्वायर फाइनेंस आपको चाहिए पैसे पैसे कैसे आएंगे या तो अफगानिस्तान में आप ड्रग्स की खेती कर दो पोपी उगता है ना वहां पे तो अफीम की खेती होती है उधर वो चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी वट दे आर डूइंग दे आर इंडिया lure, lure को भी तालिबान ने अट्रैक्ट किया था कि आओ करो, हमारे पास आप लेके जाओ पर्टिकुलर डील टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम अमूदरिया बेसिन इन नॉर्दन अफगानिस्तान नॉर्थ अफगानिस्तान में यह रीजन है अमूदरिया बेसिन वेयर

और अपने नेबरहुड में चाइना अच्छी बना के रखना चाहता है दैट्स सो इट वाज नॉट जस्ट द अफगानिस्तान इवन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर ऑफ क्रूशियल इंटरेस्ट फॉर चाइनीज स्ट्रेटजी उनके लिए काफी बढ़िया है उनको बना के रखना है बट देर आर सम डेवलपमेंट्स इन द पास्ट डेवलपमेंट्स आर लाइक दिस दैट विद दिस यूक्रेन रशिया वॉर लॉट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे हैव फियर इन है माइंड सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को क्या डर था दे हैव दिस फियर दैट रशिया माइट टारगेट दैम बिकॉज दे ऑल आर द रिपब्लिक्स विच केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर यूएसएसआर डिस इंटीग्रेशन ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो हैं जो यूएसएसआर के डिस इंटीग्रेशन के बाद एग्जिस्टेंस में आए थे तो उनको अक्सर यह डर रहता है कि रशिया अगर हमारे अगेंस्ट हो गया हमारे अगेंस्ट कुछ काम कर दिया रशिया ने तो नुकसान हो जाएगा दैट्स द पॉइंट नाउ वट द मेजर एंगल इज

तालिबान ओके, दे ट्वीटेड, एक ट्वीट किया उन्होंने दे ट्वीटेड फोटो ऑफ़ पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर ऑफ 1971, जब पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था 1971 में तालिबान माउथ पीस दे ट्वीटेड दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ और ये लिखा था कि दैट इफ यू आर मैसिंग विद डोंट कंसिडर डोंट थिंक दैट यू कैन डिक्टेट तालिबान इफ यू ट्राई टू डिक्टेट तालिबान इफ यू ट्राई टू फाइट विद दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन दैट एज यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ इंडिया आप हमारे सामने भी सरेंडर करोगे एंड देन तालिबान सेट दैट यू एस एस आर वॉज डिफीटेड यू एस वॉज डिफीटेड

वहां पे लीडरशिप की स्क्रूटनी हो जाएगी कि ये इनके बस का नहीं है ऑलरेडी द तालिबान इज इंट्रोड्यूसिंग द रिग्रेसिव पॉलिसीज कि वुमेन को पढ़ना नहीं है पढ़ाई बंद है यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है दिस एंड दैट विल बी प्रोटेस्ट नॉट जस्ट फ्रॉम द कम्युनिटी बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द तालिबान गवर्नेंस यूनिट्स दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस थिंग फॉर दैन सो इवन तालिबान इज दे रिकोगनाइज दिस थिंग ट दे हैव टू प्रोवाइड गवर्नेंस डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करना है बिना पैसे के डेवलपमेंट नहीं होगा सो दिस इज हाउ दे आर स्ट्राइकिंग दिसना फाइव फोर्टी मिलियन डॉलर इट्स अग्निफिकेंट अमाउंट सो दैट्स द पॉइंट हेयर ओके ऑलरेडी वेस्टर्न पावर से असिस्टेंट्स आना बंद हो गया है वो डेवलपमेंट है नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज वाई द लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ तो मैंने आपको कल भी बताया था ओके वन ऑफ द रीजन वॉज द प्रेशर प्रेशर

टिकुलर वॉटर आप उस पानी को बाहर निकाल लेते हो सो इट डिस्टर्ब इक्विलीबरियम का नेचुरलिम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी वजह से वहां पर मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सो दिस इज वॉट हैजन इन केस ऑफ जोशीमठ प्रोजेक्ट बड़े बड़े चल रहे हैं हाईवे को ब्रॉड किया जा रहा है डैम बनाया जा रहा है दैट द पॉइंट बट

so with you can say with the time human anthropogenic activity they increased human habitat increase and now today we are constructing hotels आज हम बड़े-बड़े वहाँ पे infrastructure के चीजें बना रहे हैं hotels बना रहे हैं we are you can say constructing highways highways बना रहे हैं to construct highway आपको blasting करनी पड़ती है रास्ता काटने के लिए okay blast करते हो तो mountain फिर unstable हो जाता है आप देखो वो landslide पे बना हुआ है ancient landslide पे मतलब खिसकने का चांस तो है ना जब आप धमाका करोगे तो ज्यादा खिसकेगा। ये एंगल है। बड़े-बड़े डैम बड़े बना रहे हैं एंड ऑन द ये कुछ एक रीजन है जिसकी वजह से ये टाउन इंपैक्ट हुआ है नाउ इफ यू लुक इन टू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जोशी मठ इट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ सिक्सटी वन हंड्रेड एंड सेवन फिट ओके इट्स देयर इन द चमोली चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अब देखो चमोली में बहुत डिजास्टर हुए हैं यहाँ पे ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट इको सिस्टम इक्विलिब्रियम इन दैट एरिया इज ऑलरेडी डिस्टर्ब हर चार पांच साल में कुछ ना कुछ चमोली में हो रहा है कभी बादल फटता है कभी लैंडस्लाइड आता है कभी बाढ़ आती है कभी कुछ होता है दिस इज हाउ इट इज नाउ पिलग्रेम्स आते हैं ट्रैकर्स आते हैं ओके बद्रीनाथ का रास्ता यहां से जाता है एंड हिमकुंड साहिब का रास्ता यहां से जाता है

This is the hydro power project which is under construction. We are carrying out char dham यात्रा char dham project connect road connectivity now this is the homework you have to tell me टॉपर vishnugad विष्णुगढ़ power project is on which river रिवर कौन सी रिवर के ऊपर ये विष्णुगढ़ है ये प्रोजेक्ट आया है सो यू हैव टू जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी बताइए ओके सो विल मूव टू नेक्स्ट सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन दिस एरिया इज डिस्टर्ब ये सब मिलके जोशीमठ को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं दैट्स द पॉइंट हिस्सर ओके

एक तो कॉमोडिटी के इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गए ऑयल के प्राइस बढ़े देन यू कैन से राइस वीट फूड प्रोडक्ट्स देयर आर इंक्रीजिंग यूक्रेन रशिया दे बोथ वर द मेजर वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज दोनों लड़ रहे हैं वीट का एक्सपोर्ट ठप हो गया तो इंटरनेशनल प्राइसिस इंक्रीज हो गए अदर रीजन इज द स्ट्रॉन्ग डॉलर अगला रीजन जो है वो है आपका स्ट्रॉन्ग डॉलर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फेडरल रिजर्व ओके इट इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व हर मीटिंग के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है डॉलर स्ट्रेंथ में आ रहा है व्हेन डॉलर इज इन स्ट्रेंथ नाउ द पॉइंट इज दिस वट एवर ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस अब किसी ने उधार दिया है उधार वो चुकाएगा दैट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इज डन इन डॉलर एंड रिलेटिव टू दैट देयर डोमेस्टिक करेंसी इज अपेयरिंग टू बी वीक डॉलर के रिस्पेक्ट में उनकी करेंसी वीक होती जा रही है एंड बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट रीपेमेंट इज इंक्रीजिंग ये सारे रीजन है जिसकी वजह से जो डेट की रीपेमेंट है वो कॉस्टली होती जा रही है समझनी होगी ओके सो हीस थिंग्स दैट एज यू कैन सेल्डिंग द प्रेजिडेंसी ऑफ जी ट्वेंटी इंडिया विल डेफिनेटली पुटअप दीज पर्टिकुलर इशूज इंडिया कोशिश करेगा कि इन मुद्दों को वहाँ पे डिस्कस किया जाए जी ट्वेंटी के लिए इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो दिस इज़ वॉट ही इज़ पॉइंटिंग आउट एंड ही इज अपेयरिंग टू बी क्वाइट राइट तो काफ़ी सही है ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के ऊपर Then नॉट ओनली that, वी हैव टू यू कैन से प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग nations. काफ़ी डेवलपिंग नेशंस जो हैं और अंडर डेवलप्ड जो नेशंस हैं दे आर लुकिंग अप us, ओके सो दे आर यू कैन से वी आर हैविंग दिस बर्डन वी हैव टू रेज देयर इशूज वो मुद्दे हमें उठाने हैं एंड नॉट ओनली दिस बिकॉज हेयर द मेजर डिबेट एंड डिस्कशन विल बी अबाउट दीज इंक्रीजिंग डेट्स लोअरिंग ऑफ रेवेन्यूज रेवेन्यू क्यों लोअर हो रहा है बिकॉज ग्लोबल स्लो डाउन वी आर टॉकिंग अबाउट ओके इट इज द ग्लोबल स्लो डाउन दैट इज हैपनिंग ग्लोबली इकोनॉमी जो है वो स्लो हो रही है इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है ना वेन द ग्लोबल स्लो डाउन इज नो देयर डिमांड इज लेस डिमांड कम हो रही है तो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो रेवेन्यू लोगों के पास आ नहीं रहा है दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू सो इंडिया विल बी प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन दैट सो दैट्स द पॉइंट हम एजेंडा सेट करके दे देंगे और डिस्बेट डिस्कशन कराएंगे बट देर इज ऑलरेडी पोलराइजेशन अब देखो पोलराइजेशन किस तरीके की है देर आर गुड चांसेस दैट पुतिन माइट गिव अ मिस पुतिन ने इंडोनेशिया में नहीं गए पुतिन वॉज नॉट इवन देयर इन समिट दैट वॉज देयर इन इटली ना तो इटली वाली समिट अटेंड की ना इंडोनेशिया वाली अटेंड की तो ये भी बोला जा रहा है कि पुतिन शायद इंडिया भी ना आए ओके सो दिस इज हाउ थिंग्स आर नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिवाइडेड वर्ल्ड हाउ विल यू मेक कंसेंसस इतनी बटी हुई दुनिया है तो आप उसके अंदर कंसेंसस कैसे बनाओगे ये एक चैलेंज है इंडिया के लिए दिस इज हाउ इट्स अ मेजर चैलेंज फॉर अस होगा कि नहीं होगा वो बात बात की है

एस टी लिस्ट के अंदर चेंजेस लाने के लिए वट इज द रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है नाउ दिस इज द होमवर्क ये आपका होमवर्क है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है दैट्स द आंसर दैट यू हैव टू गिव कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा ये

जो है क्राइटेरियाज आर प्रिमिटिव ट्रेट्स डिस्टिंक्टिव कल्चर ओके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन शाइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एंड बैकवर्डनेस नाउ यू शुड बी नोटिंग इट डाउन ये प्रिलिम्स के लिए नोट डाउन कर लो ये क्राइटेरिया है ये एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है फॉर पुटिंग कम्युनिटी इन द लिस्ट ठीक है लोकर कमेटी के लो, लोकोर कमेटी ने ये बताया था

प्रेजेंस ऑफ कोर कल्चर रिलेटिंग टू लाइफ साइकिल मैरिज सॉन्ग डांस पेंटिंग थोड़ा और इलेबोरेट और एक्सप्लीसिट बता दिया किन मुद्दों पर आप एस टी में डाल सकते हो देन एंडी और इन केस ऑफ एक्सोगेमी मैरिटल रिलेशनशिप प्राइमरीली विदर एस टीज ऑल दीज क्राइटीरिया आर सजेस्टेड बाय दिस पैनल विच माइट बी एक्सेप्टेड एंड माइट नॉट वो हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या होगा इसका दिस इज हाउ इट इज ओके सो मोहित इज कम अप राइट आंसर सोमिक गलत हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मेरे हिसाब से भी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आता है चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूके जैन इन द डिफेंस पैक्ट अलाउंग ट्रूफ डिप्लॉयमेंट अब देखो ये एक दूसरे के यहाँ पे साथ में मिलकर काम करने को तैयार है एंड इट इज गोइंग टू फैसिलिटेट ट्रूफ्स डिप्लॉयमेंट इन ईच अदर्स कंट्री एक दूसरे के देश में ट्रूप्स ये डिप्लॉय कर पाएंगे वाई दिस इज द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बिकॉज हेयर यू हैव टू लुक इन टू जपैन मूव टू बी एसर्टिव एसर्टिव फॉर इट्स डिफेंस ये मैं क्यों बोल रहा हूं यू हैव टू एनालाइज वट हैपन्ड इन दोस्ट वर्ल्ड वॉर टू टाइम्स जपैन वॉज द डिफीटेड कंट्री जपैन हारा ओके लेटर ऑन जपैन सेट दैट देविंग फुल्ली फंक्शनल आर्म्ड फोर्सेस जपान का ये सिस्टम था और योशिदा डॉक्ट्रेन आया उस टाइम पे ओके ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर और योशिदा डॉक्ट्रेन इट सेट दैट जपैन विल बी देयर फॉर पीस जपैन जो है वो शांति से रहेगा किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा मिलिट्री यूज कुछ भी नहीं होगा एक्सेट्रा 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 दीज व प्रोविजन

सिग्निफिकट चैलेंज टू दैपनीज जियो पोलिटिकल एंड दिक्योरिटी इंटरेस्ट उनके डिफेंस सिक्योरिटी और जियो इंटरेस्ट यहां पे इंपैक्ट हो रहे हैं सो दे आर इंक्रीजिंग देयर एंगेजमेंट विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जपैन अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है एंड नॉट ओनली दैट जपैन इज नाउ रेडी टू मूव आउट ऑफ इट्स एरिया की भी अगर जरूरत पड़ेगी सो जपैन विल कैरी आउट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सो राइट नाउ दे आर जस्ट इंकिंग दिस पैक्ट ये पैक्ट दोनों कंट्रीज बना रहे हैं दे आर ऑलरेडी हैविंग गुड इक्वेशन विद इंडिया इंडिया के साथ इक्वेशन अच्छी है सो so ये मैप मिलता नहीं है ओके सो यहां पर पूरा नहीं बनाया था मैंने पूरा बना दिया चलिए सो दे आर ऑलरेडी हैविंग गुड इक्वेशन विद इंडिया इन फ्यूचर वी कैन एक्सप्लोर द मिलिटरी हम भी कर सकते हैं कॉमन एनिमी नेबर दाइना सो दिस इज हाउ दीज आर द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द जियो पोलिटिकल एरियाज विच आर फोर्सिंग द कंट्रीज टू चेंज देअर स्टैंड उनको अपने स्टैंड चेंज करने पड़े हैं इंडिया के लिए भी प्राइम कंसर्न आज की डेट में क्या है हमारे चाइना ट्रबल कर रहा है बॉर्डर एरियाज में सो दिस इज हाउ इट इज यू हैव टू वर्क विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज एंड इंडिया एंड जापान डेफिनेटली दे कैन कम टूगेदर बिकॉज वी बोथ आर पार्ट ऑफ क्वाड हम दोनों क्वाड में भी साथ हैं दिस इज हाउ इट इज सो दिस इज हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस

जपान बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दीज पर्टिकुलर दिस इज हाउ थिंग्स आर ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो चल रही हैं सो so, काफी तेजी से चीजें होती हैं ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू एड्रेस द क्वेश्चन अब किसी ने एक सवाल किया था कि सोमिक रोए सर व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड इन द एरियाज लाइक जोशी मठ ओके अब जोशी मठ के केस में क्या करना चाहिए देखिए हमें सो वेयर इज दैट थिंग ओके सिंकिंग जोशी मठ नाव यू आर आस्किंग अबाउट द वे

अच्छी रिपोर्ट होती है ना उसको डस्टबिन में, में डाल दिया जाता है सो इंप्लीमेंटेशन इज नॉट विजिबल ऑन द ग्राउंड स्टिल लीगल कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन आज की डेट में भी समस्या क्या हो रही है कंस्ट्रक्शन चलता रहता है ठीक है एक तो ये आपको रोकना पड़ेगा नाउ देर आर कंस्ट्रक्शन रूल्स दैट आर इन प्लेस ऑलरेडी हम जब भी बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन रूल्स तो हैं बिल्डिंग कोड भी है हमारे यहां पे ओके okay? कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, बिल्डिंग कोड हैं, लैंड प्लानिंग होती है पूरे अच्छे तरीके से बट द पॉइंट इज दिस आर वी इंप्लीमेंटिंग इट ये बोला जाता है इंडियंस के बारे में, में इंडियंस बहुत अच्छे हैं लॉज बनाने में भी इंडियंस बहुत अच्छे हैं बट वेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन हमारा परफॉर्मेंस पोर होता है सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट रूल रेगुलेशन आर ड्यूली जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए एंड मैं भी एक चीज बताता हूं नाउ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट अपडेटेड ये जो आपके रूल्स रेगुलेशन आप बना रहे हो दीज रूल्स आर ओल्ड ओके दे आर नॉट अपडेटेड अब तो पता लग गया ना कि यहां पे जोशीमठ सिंक हो रहा है तो मतलब कुछ अलग अप्रोच चाहिए आपको पुराने रूल्स के हिसाब से नहीं चल सकते But क्या ये अपडेट होंगे मैं आपसे एक बात पूछता हूं इस देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कभी वोटिंग हुई है क्या क्या वोटर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्राइट आर दीज टॉपिक इवन इंपॉर्टेंट फॉर द वोटर ये सबसे बड़ी चीज है बिकॉज इफ पीपल आर नॉट उनकी जान खतरे में है लेकिन वो वोट किसी और मुद्दे पे दे देंगे कास्ट के बेस पे वोटिंग होगी रिलीजन के बेस पे वोटिंग होगी तो जब तक वोटिंग उन मुद्दों के ऊपर होती रहेगी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सोल्यूशन आप तब तक सोल्यूशन की उम्मीद नहीं कर सकते बिकॉज ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑफ द पीपल और लोगों की तो ये मुद्दे ही नहीं है सो दीज आर दंसर्न सो इट्स अ वेरी लॉन्ग बैटल दैट वी हैव टू फाइट इट इज नॉट एन ईजी थिंग यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस एवरी इंडिविजुअल शुड हैसिबिलिटी लुक एट दिस फोटोग्राफ ये किसी के घर का आंगन है जो टूट गया है दिस इज वट इज हैपनिंग देयर सो वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिज थिंग्स एंड द पॉइंट इज दिस कैन इंडिया डू इट आइसोलेटली नो देर है उनको तो साथ में लेके चलो दैट्स द मेजर पॉइंट सो दीज आर दिंग्स दैट आर टू बी डन यू हैव टू कैरी आउट ग्लोबल कंसेंस यू हैव टू हैव चेंज रूल्स रेगुलेशन वो सब कुछ यहां पर करने की जरूरत है आज गवर्नमेंट क्या कर रही है

that's it for the day then thank you very much so stay do connect with us okay you can connect with us you can be part of this particular initiative we are coming up with new courses at 8 a.m we will be live so you can definitely connect with us it's a live session i do take up your doubts then and there and your doubts are addressed so this is what we have here